नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी तक हम लोगों ने कई सारे इंडियन नेवी से संबंधित न्यूज कवर किए हैं, जहां पर इंडियन नेवी ने अलग अलग समय पर अलग अलग फिशिंग वेसल्स को और अलग अलग मर्चेंट वेसल्स को इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन सी में गल्फ ऑफ ईडन के पास कई अलग अलग जगहों पर समुद्री लुटेरों से और कई अन्य दुविधाओं से बचाया है। तो उसी में एक और प्रकरण जुड़ गया है, लेकिन अभी तक जो हमने न्यूज कवर की थी उसमें ज्यादातर जो वीडियोस भी हमने आपके साथ शेयर किए थे उसमें ज्यादातर जो लोग दिखाई दे रहे थे इंडियन नेवी थे वो पुरुष थे, वो मेल थे। तो इसी के चलते ये भ्रांति हो सकती है कि भारतीय नौसेना ज्यादा महिलाएं या फिर बहादुर महिलाएं नहीं है। उसी को ब्रेक करते हुए ये एक खबर आई है हमारे पास जो कि बहुत ही प्राउड फील कराने वाली है। अब ये जो न्यूज है उसमें भारतीय नौसेना की दो महिला लेफ्टिनेंट कमांडर शामिल हैं। ये जो पूरा वाकया है वो शुरू होता है 28 फरवरी 2024 को, यानी कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले, जब इंडियन नेवी सेलिंग वेसल INSV तारी ने अपने एक ट्रांस ओशियनिक वॉयज पर निकल जाती है और उस पे उपस्थित होती हैं दो महिला लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए। ये दो अकेली निकल पड़ती हैं इस पर्टिकुलर एक्सपीडिशन पर, जिसमें वो लोग शुरुआत करते हैं गोवा से, जब उनको फ्लैग ऑफ किया जाता है उनके मेंटर रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टॉमी के द्वारा और वो खुद सरकम नेविगेट करने के लिए जाने जाते हैं। तो उन्होंने 28 फरवरी को इन दो साहसी महिला नेवी कमांडर्स फ्लैग ऑफ किया गोवा से और वो निकल पड़ी मॉरिशस की ओर। पूरे अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए वो 21 मार्च 2024 को मॉरिशियस में जो पोर्ट लुई है वहां पर पहुंची। वहां पर मॉरिशियस कोस्ट गार्ड और इंडियन हाई कमीशन ने उन लोगों का स्वागत किया और बाद में वहां पर उन लोगों ने मॉरिशियस कोस्ट गार्ड के साथ सेम सेलिंग वेसल में एक ट्रेनिंग शॉटी भी एग्जीक्यूट की, जिससे जो भारत और मॉरिशियस की नेवी के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं वो और भी मजबूत हो गए। तो इसी के चलते ये जो पर्टिकुलर एक्सपेडिशन हुआ वो ना ही सिर्फ उन लोगों के लिए एडवेंचरस ट्रिप रही, बल्कि दो कंट्रीज के जो बायलैटरल टाइज हैं उनको स्ट्रेंथन करने का भी इसने काम किया। उसके पश्चात ये दोनों भारतीय नेवी की साहसी महिलाएं 30 मार्च को वहां से निकली और गोवा की तरफ रवाना हुई। अब इस रिटर्न जर्नी के समय उन लोगों के सामने वरुण देव, यानी कि जिनको गॉड ऑफ द सी कहा जाता है, उन्होंने चैलेंजेस पुट अप की जिसमें हैवी विंड्स और रफ सीज शामिल थी। फिर भी हिम्मत ना हारते हुए, भले ही वो दो अकेली महिला ही क्यों ना हो, लेकिन वो सक्षम थी, वो काबिल थी और अपने आप में कॉन्फिडेंट। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी स्टेडफास्ट एटीट्यूड के साथ उन्होंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया और फाइनली 21 अप्रैल को वे लोग फिर से गोवा पहुंची और वहां पर उन लोग बहुत ही जोरों शोरों से स्वागत किया गया। अब ये जो दो महिलाएं हैं और इनकी ये जो जर्नी है वो यहाँ पर खत्म नहीं होती, पिक्चर अभी बाकी है। इसी साल के सितंबर में इसी INSV तारिणी को लेकर यही दो महिला लेफ्टिनेंट कमांडर्स भारतीय नौसेना की निकल पड़ेंगी पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, टू सर्कमवेंट द ग्लोब। तो सबसे पहले ये जो पर्टिकुलर एडवेंचर उन लोगों ने अभी अभी कंप्लीट किया है, जिसमें वो मॉरिशस होकर वापस आई है, ट्रांस ओशियनिक जो एक्सपेडिशन उन लोगों ने कंप्लीट किया है उसके लिए हम उन लोगों को ढेर सारी बधाई देते हैं। और साथ ही में ये जो सागर परिक्रमा 4 जो कि सितंबर में वो लोग शुरू करने वाले हैं, टू सरकम नेविगेट द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का ये जो वॉयज वो लोग सितंबर में शुरू करने वाले हैं, उसके लिए हम उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और भारतीय नारी शक्ति का इस तरह से बखूबी प्रदर्शन करने के लिए हम उन लोगों को सल्यूट करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी इन दो साहसी महिला सेलर्स के इंडियन नेवी दो शब्द नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपको ये खबर कैसी लगी? ये खूबसूरत जो एडवेंचर है और जो ये भारतीय नारी शक्ति का इन्होंने प्रदर्शन किया, जो दिखाया है कि भारतीय नौसेना में, भारतीय आर्म फोर्सेस में भी इस प्रकार की नारी शक्ति उपलब्ध है और अपनी सेवाएं दे रही है, उसके बारे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।